हेलो स्टूडेंट्स, अब देखते हैं एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमें एक इक्वेशन दी है 2x plus 3y minus z equal to 0, ठीक है। इसके साथ में एक और लीनियर इक्वेशन बनानी है, ये जो 2x plus 3y minus 8 equal to 0 है, इसके ऐसी एक लीनियर इक्वेशन लिखनी है जिसमें वो इंटरसेक्टिंग हो, ये दोनों इंटरसेक्टिंग हो। इंटरसेक्टिंग का मतलब आप समझते हो ना, a1 upon a2 not equal to b1 upon b2, ये कंडीशन होनी चाहिए। तो देखो a1 upon a2 का रेशो, तो 2 के साथ कोई भी वैल्यू ले लेते हैं हम, 3 ले लेते हैं, और 3 के साथ 4 लिख देते हैं, और यहाँ कुछ भी लिख देते हैं, 9, 10 कुछ भी, ठीक है। तो जब इनका रेशो लेंगे तो नॉट इक्वल टू अपना, तो इसी तरह से कोई भी इक्वेशन ले सकते हो, पर उन दोनों का जो रेशो बनेगा वो नॉट इक्वल टू होना चाहिए। हमारा इंटरसेक्टिंग लाइंस का इक्वेशन ये हो जाएगा, समझ में आया। एक और, अब जैसे पैरेलल लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस के अंदर क्या सिचुएशन होती है, इसी के पैरेलल लिखना है अपन, ठीक है ना। पैरेलल लाइंस जो है उसके लिए कंडीशन क्या होती है, a1 upon a2 equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2, यही होती है। हाँ सॉरी, ये नॉट इक्वल टू c1 upon c2, इसका रेशो और इसका रेशो सेम होना चाहिए, पर ये रेशो सेम नहीं होना चाहिए, है ना। अरे बातें नहीं, तो इसके रेशो क्या होगा, जैसे हम 4x लिख लें, 1/2 बनेगा ना, इससे भी 1/2 बनना चाहिए। तो 3 और 6 लेंगे तभी 1/2 बनेगा, प्लस 6y, 1/2 1/2 इक्वल हो जाएंगे। ये 1/2 नहीं बनना चाहिए, तो 9 लिख दो, 10 लिख दो, कुछ भी कोई भी वैल्यू ले, ठीक है ना। तो ये नॉट इक्वल टू हो जाएगा, तो ये हमारी क्या होगी, पैरेलल लाइंस के इक्वेशन होगी। समझते हैं सभी को। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट में क्या है, 2x plus 3y minus 8 equal to 0। इसमें कंडीशन होती है तीनों इक्वल होना चाहिए, b1 upon b2 c1 upon c2, इसमें कोई रेशो देख लेंगे, कुछ भी 2 का मल्टीपल कुछ भी देख लो, जैसे 4x ही देख लो, इसका 6y, और इधर लेंगे 16, अभी 1/2 होगा, तीनों 1/2 बन गए। तो ये क्या हो गया हमारा, समझ में आया, ठीक है, क्लियर है। चलिए बाकी नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।